क्या क्या बना लगा जी? फरंगो साग ये अपनी जबान चिकन ग्रिल ग्रिल चिकन इसको क्या बोलते हैं आप? ये लैम्ब स्टीम रोस्ट दुनिया सेंटर ये रोड नीचे बबलूनिया सेंटर को जा रहा है। बबलूनिया सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट सिग्नल जो है वहाँ से ऊपर आएंगे तो आगे राइट टर्न लेके बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पे लाहौरी चस्का। ये सामने जनता का ऑफिस है और जाऊदी कंपो है फ्रूट एरिया और ये रहा लाहौरी चस्का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। वीडियो के स्टार्ट में तो आपको चटपटे खाने देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हमने एक नया फूड पॉइंट एक्सप्लोर किया है। हमें पता चला था कि इनका खाना बहुत अच्छा है, तो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि किसी का खाना बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ। ये अमादोरा के मशहूर सेंटर बबलूनिया सेंटर से बिल्कुल ऊपर वाली रोड पे है, यानी जुंता ऑफिस के बिल्कुल सामने। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कि इनका खाना कैसा है और चेक करते हैं कि इनके खाने में लाहौर का चस्का है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये रेस्टोरेंट के साथ साथ टेक अवे भी है तो इसलिए कुछ खाने आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, यानी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ऑर्डर देके। क्या क्या बना लगा जी? फरंगो साग ये अपनी जबान चिकन ग्रिल ग्रिल चिकन क्या बना लगी है? क्या बना लगे? चर्सी कढ़ाई। हमने चूँकि वहीं पे बैठ के खाना खाना था इसलिए हमने आराम से चीज़ें खुद से बनवाई और साथ साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड की ताकि आप खुद से देख लें कि यहाँ पे खाना कैसे बनता है। चिकन चर्सी कढ़ाई में बहुत ही लिमिटेड मसाले जाते हैं लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप चाहें तो चिकन चर्सी कढ़ाई की फुल रेसिपी मेरी वीडियो के एंड में देख सकते हैं। बैठाओ पर उन्हें किड़े किड़े कबाबन चिकन बीफ बटर नान हमारी चिकन चर्सी कढ़ाई तो ऑलमोस्ट रेडी है। ये मटन कढ़ाई किसी और का ऑर्डर था लेकिन हमने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। ऑर्डर है लैम्ब स्टीम रोस्ट। हम ऑर्डर करें कितने टाइम लगेगी सर? नहीं, ये एक दिन पहले। हमने जो जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो ऑलमोस्ट अब सर्व होना शुरू हो गए हैं। इसमें हमारे पास है बटर नान है, ग्रिल चिकन है और चिकन चर्सी कढ़ाई है। अभी यहाँ पे जंगली पुलाव सर्व किया जा रहा है। और बहुत ही मज़े की नेहारी सर्व की। खाने तो मज़े के चलते ही रहेंगे लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई प्यारा सा कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किस तरह की देखना चाहते हैं। आपको मेरे फूड व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या पॉर्चुगल की हिस्टोरिकल या दूसरी वीडियोस देखना अच्छी लगती हैं? और हाँ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द मिल सके। हाँ जी, क्या स्टोरी है? आगे बढ़ते चलें।
सही है। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होगा। चिकन अच्छे से गला हुआ है और एक ही दफ़ा तोड़ने से टूट रहा है। टेस्ट में भी बहुत मज़े का है। ये लैम्ब स्टीम रोस्ट है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना होगा। इसको क्या बोलते हैं आप? ये लैम्ब स्टीम रोस्ट। अभी मैं ग्रिल चिकन ट्राई करूंगी और फिर बताती हूं कि इसका टेस्ट कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ थोड़ा सा पुलाव भी ऐड करते हैं। ये भी बहुत मज़े का है और चिकन अच्छे से गला हुआ है। साथ में राइस का भी अपना ही टेस्ट है। यहाँ पे तो हम खाना खा के हो गए फारिग और हमारा बहुत सारा खाना बच भी गया था जो कि हमने पैक करवा लिया था। अभी तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मीठे को कौन मना करता है, तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई कर लूं। मेरी तरफ से लाहौरी चस्का रेस्टोरेंट टेक अवे के लिए 10/10। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।